जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लॉकडाउन में हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सही सुना दोस्तों आप लोगों ने, जो लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं उन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कराऊं हमें किस तरीके से इस लॉकडाउन में काम करना है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो बदल चुका है। समय की आवश्यकता है ये। समय के साथ टीचर्स को अपने पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ा। अब 90% जो पढ़ाई हो रही है, 90 प्लस मैं तो कहूँगा 100% जो पढ़ाई हो रही है आजकल, वो ऑनलाइन हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो टीचर्स कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन पढ़ाने में, उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी अपने कंफर्ट जोन से निकले बाहर और अनकंफर्टेबल हुए और आज वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जब टीचर्स कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हैं तो दोस्तों, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी निकलना चाहिए? हमें वो वक्त आ गया है जब हमें अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। ये सच्चाई है दोस्तों और ये आपको माननी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम जो पहले था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी। फिर आता था प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई ठीक थी। फिर आता था एक प्रीमियम स्कूल्स जहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। इस लॉकडाउन ने इस डिफरेंसेस को, इस इनइक्वालिटी को इक्वल कर दिया है। अब जो कंपटीशन है वो बराबरी का है। पहले जो एजुकेशन था वो अच्छे शहरों में अच्छा एजुकेशन हुआ करता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म सब लोग यूज कर रहे हैं तो एजुकेशन जो है वो हर जगह पहुंच गया है। आज एजुकेशन सिस्टम जगह जगह का मोहताज नहीं है, तो बहुत सारी प्रतिभाएं भी उभर के आएंगी और जो बच्चे अपने कंफर्ट जोन में होंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन से निकलिए। पढ़ने का जो तरीका है, समय आ गया है कि अब हमें बदलना पड़ेगा। हमें वक्त का इंतजार नहीं करना है, हमें जो बदलाव करना है वो अपने ऊपर करना है। जैसे कि टीचर्स ने पढ़ाने का तरीका बदल दिया है, वैसे ही स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा और जीतेगा वही जो अपने आप को अडैप्ट करेगा। तो कंफर्ट जोन से निकलिए और सफल बनिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।